नमस्कार दोस्तों, टेक युक्ति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी अक्सर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ज़्यादातर क्या है, मेरे जैसे बनाते हैं वीडियो, बिना फेस दिखाए बनाते हैं वीडियो। बट ये बहुत ही गलत तरीका है और इस तरह से वीडियो नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि और चूंकि मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग के लिए बनाता हूँ स्पेशली, तो इससे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ विजुअली, तो इससे लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलता है मेरे ब्लॉग में और ज़्यादा इंगेज होते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ और मैं फेस कैम का यूज नहीं करता हूँ। और इसके लिए मैं अभी सेटअप कर रहा हूँ, मैं भी जल्दी फेस कैम से ही वीडियो बनाने वाला हूँ टेक युक्ति पे। बट अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि यूट्यूब से नाम कमाना चाहते हैं और यूट्यूब में चाहते हैं अपनी एक पहचान बनाना, लोग आपको जाने आपके चैनल से, आपके नाम से, आपके चेहरे से, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आपके पास एक कैमरा रहे और आप उस कैमरे से वीडियो बनाएं। और आज मैं ऐसे ही कुछ कैमरों के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत महंगे नहीं है, बहुत सभी क्रिएटर के लिए बहुत अच्छे कैमरे हैं। और आप इनको, अगर आप बजट नहीं है DSLR कैमरा खरीदने की, तो आप इनके हेल्प से आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि वीडियो बनाने के लिए कैमरा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यह अक्सर लोग पूछते हैं कि मतलब यूट्यूब क्या वीडियो रिकॉर्डिंग से नहीं बनता है। बनता है भाई, यूट्यूब वीडियो मैं रिकॉर्डिंग से बना रहा हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल है। लेकिन आप मेरे व्यूज जाके चेक कर सकते हैं, जो मेरे व्यूज हैं लास्ट के वीडियो में उन पे देख सकते हैं कि बहुत कम ही मेरे वीडियो वायरल होते हैं, बहुत ही कम ही लोग इंगेज होते हैं। 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे ही व्यूज रहते हैं। और चूंकि मेरा सब्सक्राइबर आप देखेंगे तो 26,000 है, उसके बाद भी ऐसा है। इसका एक वजह है क्योंकि मैं अगर फेस कैम से वीडियो बनाता तो लोग इंगेज होते मेरे साथ, मेरे को जानते कि कौन है जो वीडियो बनाता है। तो ये फ़र्क पड़ता है फेस कैम से वीडियो बनाने से और ना बनाने से। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ, आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि यूट्यूब जितने भी फेस कैम से वीडियो नहीं बनाते हैं, जितने भी चेहरा नहीं दिखाते हैं अपने चैनल पे, उनको क्रिएटर नहीं मानता है। वो समझता है कि बस ये पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं और इनका कोई भी इच्छा नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। और दूसरा है जो आप देखे होंगे 100,000 जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उनको एक प्ले बटन मिलता है, सिल्वर प्ले बटन मिलता है यूट्यूब की तरफ से, तो उसके चांसेस मिलने के कम हो जाते हैं। जो फेस कैम से वीडियो नहीं बनाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करके वीडियो बनाते हैं, उनको मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरा है, अगर आपके पास यूट्यूब का कोई इवेंट होता है, इवेंट 100 के पार्टी देता है यूट्यूब, इस तरह के पार्टी देता है, तो इवेंट आपको इनवाइट नहीं सेंड करता है अगर आप इस तरह के वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर आप बनाते हैं तो आपको इनवाइट सेंड करता है यूट्यूब बाकायदा कि आप आइए हमारे इवेंट में, पार्टी में आइए। आपको वहाँ पे पार्टी में अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मिलता है, वहाँ पे क्रिएटर से मिलने को मिलता है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलता है। और आपको आपके चेहरे से लोग जानते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं टेक्निकल गुरु जी को शायद हर एक क्रिएटर पहचानता है, बीबी की वाइंस को सब कोई जानता है। तो ऐसे इसलिए है क्योंकि वो लोग कैमरे से, फेस कैम से वीडियो जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सबके सामने करते हैं, उनका चेहरा दिखता है उनमें और उनको लोग चेहरे से पहचान जाते हैं, हाँ टेक्निकल गुरु जी हैं, ये बीबी की वाइंस है। तो इसी तरह आपको भी पहचान जाएंगे। और इससे क्या होता है, देखिए आपका जो मेन एम है पैसा कमाना है, यूट्यूब कोई किसी का भी मेन एम होता है, जो लास्ट का एम होता है, जो पीछे किसी भी आइडिया के पीछे जो हाथ होता है उसे होता है पैसा कमाना। और आप YouTube को शुरू कर रहे हैं, आपके पास कोई स्किल से कोई पैसा नहीं, जैसे कि आप स्केच कॉमेडी करते हैं, वाइंस बनाते हैं, या फिर आप रिव्यू करते हैं, टेक पे वीडियो बनाते हैं, तो इस तरह का आपके पास स्किल से कुछ बताने का तो आप बताते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप चेहरा देख के बताते हैं तो आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है लोग समझते हैं, उस भाव को समझते हैं और उसमें ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इससे मुझे, आप खुद देख रहे होंगे स्क्रीन से कौन बोला है स्क्रीन के पीछे, इसके बारे में क्या आपको पता है कि कौन बोल रहा है स्क्रीन के पीछे। जैसे कि हो गया बिग बॉस का, वो हो गया बिग बॉस, हो गए बिग बॉस बोल रहे हैं, कि इससे पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये फ़ायदा होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ बताए हैं जो कि बजट कैमरा है और इसे कोई नए क्रिएटर भी खरीद सकते हैं। अगर आप टेक वीडियो बनाते हैं तो लॉजिटेक, आप सभी को पता होगा लॉजिटेक एक बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो डिजिटल डिवाइसेस बनाती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड और जो कंप्यूटर में ये लगते हैं डिवाइसेस, हार्डवेयर तरीके के बनाती है। उसका एक है कैमरा जिसका नाम है लॉजिटेक HD प्रो वेब। यह कैमरा एक्चुअली छोटा सा कैमरा है, इसे आप एक ट्राईपॉड पर या अपने कंप्यूटर के ऊपर लगा सकते हैं, या स्पेशली उन लोगों के लिए है जो टेक वीडियो बनाते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, तो आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद छोटा वेब कैम आपके सामने चलता रहेगा, आप स्क्रीन पे बताते रहेंगे, इस तरह के लिए अब परफेक्ट है। और यह फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और इसका प्राइस बहुत ही समझिए कि 10,000 के अंदर है, इसका प्राइस 9,000 है। प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कैमरा अमेरिका से डायरेक्ट आएगा। अगर आप इसे देखेंगे amazon.com पे देखेंगे तो इसका प्राइस काफ़ी कम है और 5-6 हज़ार है, लेकिन इंडिया amazon.in पे इसका प्राइस है 9,000 रुपये, और 9,000 रुपये में आपको मिल जाएगा ये कैमरा। और यह कैमरे का परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट है, जितने लोगों ने यूज किया है, जितने लोगों ने रिव्यू दिया है, सबने कहा यह परफेक्ट कैमरा है और ये फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और इससे आप आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा जो कैमरा है ये है
कैनन का, कैनन को आप सभी जानते हैं, कैनन कैमरे के मामले में रेड जो होता है, जो कि फिल्म फिल्म में यूज किया जाता है, रेड के कैमरे बहुत महंगे कैमरे होते हैं, 50 लाख 60 लाख के आते हैं, ऐसे कैमरे आते हैं उनके रेड के। उसके बाद जो सबसे परफेक्ट वीडियो बनाता है वह है कैनन का कैमरा। कैनन के डी सीरीज के कैमरे बहुत महंगे आते हैं, डी सीरीज में बहुत सारे कैमरे हैं, 40 हज़ार 50 हज़ार से लेकर लाख 2 लाख तक के आते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे वीडियो क्वालिटी बनाते हैं। और इसी में कैनन एक डिजिटल कैमरा निकाला है जो है IX डिजिटल कैमरा। यह कैमरा ऐसा है कि आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो ये हैंडी है। और इसमें जो माइक देखिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये इसका माइक यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं अपना, ब्लॉगिंग जैसे ट्रेवल ब्लॉग हो गया, मार्केटिंग ब्लॉग, किसी मार्केट का ब्लॉग बना रहे, तो इसके बहुत आराम से हाथ में आप इसे यूज कर सकते हैं। हाथ में लेके फ्रंट से आप कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसका माइक ऊपर है, तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो आवाज़ है पूरे क्लियरिटी के साथ रिकॉर्ड होता है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल किसी माइक की ज़रूरत नहीं होती है। तो यह ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा है मेरे हिसाब से, और सस्ता भी है। इसका प्राइस करीब है 12,400 रुपया, इसे अमेजन से आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही इस कैमरे का प्राइस जो है amazon.com पे सस्ता है, amazon.com इन पे महंगा है। और तीसरा जो कैमरा है सोनी का, सोनी के कैमरे अक्सर बहुत महंगे आते हैं, हैंडी कैम भी इसके 1 लाख 2 लाख तक के आते हैं, तो जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, यह क्या है HD वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ये वीडियो। अगर आप प्रैंक, स्केच में या एंटरटेनमेंट में किसी तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी पर ध्यान देना होता है, उसके लिए परफेक्ट कैमरा है। अगर आप DSLR नहीं ले सकते हैं तो, अगर आपका बजट कम है, आप DSLR नहीं ले सकते हैं 40-50 हज़ार लगा के, तो आप इस कैमरे को उसके जगह पर यूज कर सकते हैं। और बेहतरीन मतलब ये समझ लीजिए कि Full HD में बढ़िया से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्वालिटी मतलब 4000 कुछ पिक्सल का वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ये, और इसका रिजोल्यूशन कमाल का है, और इसका वाइड एंगल फोटो लेने के लिए परफेक्ट है। ये हैंडी कैम है, उसे इजी टू यूज है, सबसे अच्छा बात छोटा है, पोर्टेबल है, आप हाथ में लेके आराम से यूज कर सकते हैं इस कैमरे को। इस कैमरे का प्राइस है करीब 20,558 रुपये, और इसका जो प्राइस amazon.com पे वो करीब है 14,000 रुपये कुछ रुपये है। तो अगर आप amazon.com से ख़रीदेंगे तब भी इंडिया में शिफ्ट होगा तो उतना ही प्राइस पड़ेगा, मतलब जहाँ से आप ख़रीदेंगे 20,000 रुपये का इसका प्राइस है। तो यह परफेक्ट कैमरा है, आप यहां से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके खरीद सकते हैं। अगर आप वहां से खरीदते हैं तो उसका कुछ प्राइस मेरे को भी मिलेगा, मुझे कुछ फ़ायदा होगा अगर आप वहां से खरीदते हैं तो, वरना आपकी जहां से इच्छा करे वहां से आप खरीद सकते हैं। ये तीनों कैमरे यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं, अगर उनके पास DSLR खरीदने का पैसा नहीं है तो लो प्राइस में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनको मैं जानता हूँ बेहतर जो है परफॉर्मेंस मिलेगा, वो काफ़ी ही रिलायबल होगा, और उनके उनको काफ़ी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यह कैमरा मैंने लेके बहुत अच्छा किया, बहुत सही कैमरा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको सभी को ये तीनों कैमरों के बारे में अच्छी जानकारी मिली हो, और आप तो भी सभी को ये तीनों कैमरे पसंद आए हों। अगर आपको कोई भी सवाल और सुझाव है कैमरे से लेकर, या आपका बजट थोड़ा कम है, इससे कम है, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन सा कैमरा लें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कैमरे पे वीडियो बनाते हैं तो आपके सब्सक्राइबर मेरे तुलना में काफ़ी बढ़िया से बढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से बढ़ेंगे। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो कि कुछ भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन उनके जो चेहरे दिखाने के कारण उनके सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, उनके वीडियो ज़्यादा वायरल होते हैं। और ये देखा गया है अक्सर जो कि यूट्यूब पे जो चेहरा दिखा के वीडियो बनाते हैं, उनके वीडियो वो ज़्यादा सक्सेस हैं, जो ना कि जो चेहरा नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।